9 अगस्त को रविवार के दिन पूरे देश में लॉकडाउन के चलते धार जिले के मांडो में मांडो नाका और नीलकंठ नाके पर चालानी कार्यवाही की गई, जिसमें वाहन चालक को और मोटरसाइकिल चालक बगैर मास्क और फालतू घूमने वालों के चालान काटे गए। वास्तविक में पूरे मांडो क्षेत्र में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियमानुसार कर रहे हैं। मांडो थाना प्रभारी विनय परमार ने बताया कि आज लॉकडाउन है, हम पूरी टीम मिलकर मुंह पर बगैर मास्क और फालतू घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही कर रहे हैं। धार से कैलाश मावी की रिपोर्ट। चालानी कार्रवाई की कोई निर्देश नहीं है, चालानी कार्रवाई हम उन लोगों पर करते हैं जो भाई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क लगाते हैं और रेड क्रॉस की अपन उसकी पर्चियाँ काट रहे हैं। जो अपन सोशल मैसेज ये देना चाहते हैं कि भाई अब कोरोना चल रहा है तो उसका पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाए रखें, उसे तो रेड क्रॉस की जो रसीद आती है वो काटते हैं। सर सुबह से कितने का चालान हो? अभी सुबह से अभी तक 10 लोगों या 11 लोगों का चालान हो गया और दिन भर कार्रवाई चलेगी और अभी इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई है। साहब ने भी निर्देश दिए हैं कि इस पर कार्रवाई होते रहे। हमें सर आपका नाम? उप निरीक्षक विनय परमार, थाना प्रभारी मांडा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।